सो गाइस कैसे हो लोग, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अभी मुझे कहीं पर भी स्पॉन कर दिया गया है। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करते हैं, कि कैसे बनाते हैं लकड़ी के टूल्स, मतलब वुडन टूल्स। तो ऑब्वियसली हमें लकड़ी के टूल्स बनाने के लिए वुड की ज़रूरत पड़ेगी और वुड से बने हुए क्राफ्टिंग जो है, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा कि कैसे बनते हैं और उन सबका यूज़ क्या होता है। इससे पहले मैं सारी लकड़ियाँ ले लेता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मैंने 9 वुड ले लिया। गाइस वुड ना बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ होती हैं स्प्रूस वुड, कुछ मतलब बहुत प्रकार के होते हैं। अभी मेरे पास नॉर्मल वुड है ओक लॉग, तो ओक लॉग से बनता है हमारा ओक वुड प्लैंक। ये ओक वुड हमें नहीं बनानी है, हमें बनाना है ओक वुड प्लैंक। तो जल्दी से मैं थोड़े से वो ओक वुड प्लैंक बना लेता हूँ और थोड़े से स्टिक्स बना लेता हूँ और इससे हमारे बनेंगे एक क्राफ्टिंग टेबल। उससे पहले मैं थोड़ी सी और ओक वुड बना लेता हूँ क्योंकि ओक वुड की भी बहुत कमी पड़ी है। तो अभी मैं रखता हूँ अपनी क्राफ्टिंग टेबल, कहीं पर भी रख सकते हैं फिलहाल के लिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी क्राफ्टिंग टेबल रख दिया। अब हमें इसे छूना है तो कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं, लेकिन अभी हमें सिर्फ टूल्स के बारे में बात करनी है। तो हमें वुडन शार्ट पर क्लिक करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी रेसिपी, तो ये बन गई वुडन शार्ट, वुडन एक्स, वुडन पिकेक्स, वुडन शॉवल, वुडन हो। तो गाइस शॉर्ट पर जम क्या होता है, जो भी जॉम्बी या एनिमल्स को मारना होता है तो हम इससे मार सकते हैं ऐसे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हाथों से मारता था बहुत टाइम लगता, लेकिन जैसे मैंने वुड से मारा था कितने वो वुडन शॉर्ट से मारा कितनी जल्दी मर गया। और गाइस वुडन एक्स का काम ये होता है कि जो लकड़ी होती है वो हम थोड़ी जल्दी तोड़ सकते हैं, क्योंकि गाइस ये अपने हाथों से बहुत धीरे धीरे लकड़ी तोड़ता है। ये जो स्टील का इसका प्लेयर है बहुत धीरे धीरे लकड़ी को तोड़ता है। और गाइस फिर आती है बात वुडन शॉवल की, तो गाइस वुडन शॉवल का काम होता है कि ये जो जितने भी डर्ट है इसको जल्दी जल्दी हटाना, क्योंकि गाइस अगर हाथ से डर्ट हटाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, इसलिए ये इसलिए बना ताकि जल्दी जल्दी हम वो हटा सकें। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कितनी जल्दी जल्दी हट गई है ये, क्या कहते हैं इसे। तो गाइस अब आते हैं वुडन पिकेक्स के बारे में। गाइस वुडन पिकेक्स का सिर्फ ये काम होता है, मतलब इसका इससे कॉबल स्टोन ले सकते हैं हम बहुत सारे। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे कॉबल स्टोन ले लिए हैं। तो गाइस वुडन पिकेक्स का काम यही होता है। और गाइस अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हॉ का काम क्या होता है, मतलब हो है ना और वुडन हो, इसका काम क्या होता है। तो गाइस वुडन होगा सिंपली फार्मिंग के लिए काम होता है और किसी चीज़ के लिए काम नहीं था। जैसे कि आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे करके इसने वो कर दिया। और अगर हमें स्वीच वीच लगाने यहाँ पे तो हम स्वीच भी लगा सकते हैं। तो गाइस स्वीच कैसे होते हैं, ये जो ग्रास होती है ना इनमें से बहुत बार मिल जाते हैं, मतलब सारे ग्रासेस में तो नहीं मिलते, इनमें से थोड़ी बहुत में मिल जाते हैं। और गाइस पंपकिन चीज़ को तो अलग अलग विलेजर के पास मिलते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।